हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड माय चैनल इंग्लिश टू टेक वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सो फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों को जैसा पता ही है, एलिजाबेथन ड्रामा के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, वो भी कि इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में उसके क्या इफेक्ट्स वगैरह रहे और रेनेसा मूवमेंट ने किस तरीके से इस पर इंग्लिश एलिजाबेथन ड्रामा पर इफेक्ट वगैरह डाला। तो इसी सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस आज करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बताते चले हम आपको कि एक सीरीज़ में अभी हम लोगों ने थ्री वीडियोज़ को कवर किया है, ठीक है। सो सबसे पहले जो वीडियोज़ बनाई थी मैंने रेनेसा मूवमेंट के ऊपर, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली हुई है। उसके बाद आफ्टर डैट में हमने ह्यूमनिज्म मूवमेंट को डिफाइन करा था और उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है, डिस्कस किया था। आफ्टर डैट रिफॉर्मेशन मूवमेंट को भी हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है। तो सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हुई हैं। प्लीज़ आप सभी को एक तरीके से सीरीज़ में पढ़िए, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी वीडियो को स्किप करके आप सीधे डायरेक्ट किसी वीडियो पर चले आ रहे हैं, ठीक है। समझ में तो आपको आएगा ही, लेकिन अगर आप एक तरीके से सीरीज़ में चलते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बेटर तरीके से समझ में तो पहले आएगा ही, लेकिन और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके की ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं एलिजाबेथन ड्रामा के बारे में, ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए। सो फ्रेंड्स, मैंने अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने रेनेसा मूवमेंट की वीडियो देखी होगी, तो आप लोगों को ने एक वहाँ पर लाइन भी आई थी कि जो रेनेसा मूवमेंट था उसका इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में जो भी इफेक्ट पड़ा था, इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में जो भी इफेक्ट पड़ा था रेनेसा मूवमेंट को, उसको एलिजाबेथन एज के नाम से भी जानते हैं या फिर एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वो इस तरीके से लिखा था कि द रेनेसा पीरियड इन द इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज द एलिजाबेथन एज और द एज ऑफ शेक्सपियर। तो फ्रेंड्स, ये तो बात रही हमारी एलिजाबेथन से रिलेटेड जो भी टर्म है, इससे रिलेटेड चीज़ों की, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ जो थी उस टाइम की काफ़ी अच्छी एक तरीके से क्वीन थी, रानी वहाँ की थी, और उनके उनके शासनकाल में बहुत ही चीज़ों की अच्छी अच्छी प्रोग्रेस वगैरह हुई थी। और वो काफ़ी जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव थी, उनको डांसिंग का, आर्ट्स और ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक भी था। तो इस तरीके से जो क्वीन एलिजाबेथ थी, इसी वजह से इसको हम लोग एलिजाबेथन एज के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एलिजाबेथन के हम लोग बात करने, तो हम लोगों ने एलिजाबेथन टर्म को समझा। आफ्टर डैट अब ड्रामा के फील्ड में, इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में ड्रामा का क्या इफेक्ट पड़ा, इसके बारे में हम लोगों को बात करना है, ठीक है। तो ये तो बात रही फ्रेंड्स एलिजाबेथन ड्रामा के फील्ड में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, ड्रामा के बारे में जानना है, समझना है, एलिजाबेथन ड्रामा के बारे में ही हम लोगों को समझना है। उससे पहले एक और भी चीज़ आप लोगों को नोट करने वाली है, वो ये है कि जो एलिजाबेथन है, एलिजाबेथन एज को हम लोग एक तरीके से गोल्डन एज भी बोलते हैं, ठीक है, गोल्डन एज के नाम से भी जानी जाती है। और ये आप लोगों को नोट भी कर लेना है एक जगह कि जो एलिजाबेथन पीरियड है वो 1579 से लेकर के 1602 के बीच में तक माना जाता है, ठीक है। इसी दौरान काफ़ी सारे जो ड्रामा का जो प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, पोएट्री वगैरह में जो भी प्रोज वगैरह में जो भी प्रोग्रेस हुआ, उन सभी को हम लोग कवर अप करेंगे, लेकिन एक सीरीज़ में, ठीक है। इसके बाद जो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें एलिजाबेथन ड्रामा को नहीं, एलिजाबेथन पोएट्री को हम लोग कवर अप करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ड्रामा के बारे में फिलहाल बात करने वाले हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने समझने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिजाबेथन ड्रामा के बारे में उन्होंने एक नोट्स बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड द मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट इन लिटरेचर वाज इन द फील्ड ऑफ ड्रामा, ठीक है। जो ड्रामा था वो इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो ड्रामा है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से मेमोरेबल अचीवमेंट और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि अच्छा अचीवमेंट था, ठीक है। अगर ड्रामा नहीं होता तो सपोज दैट इंग्लिश लिटरेचर का इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखने की एक तरीके से ड्रामा क्या है। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं एक और भी चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि प्लेज को और ड्रामा को एक जैसा समझ लेते हैं, ठीक है। प्लेज में और ड्रामा में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो ड्रामा होते हैं वो ऐसा आप लोगों को समझने के लिए बता दूं कि जो एक तरीके से परफॉर्म करने के लिए, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए लिखे जाते हैं। जो ड्रामास होते हैं वो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है, कि किसी को परफॉर्म करना है जिसमें लाइट्स वगैरह का यूज़ होता है, ठीक है, कॉस्ट्यूम्स, अलग अलग ड्रेस वगैरह भी लोग पहनते हैं, ठीक है। तो उस पर्पज़ के हिसाब से लिखे जाते हैं जिसमें डायलॉग्स वगैरह भी लोगों के सामने रहते हैं कि क्या किसने क्या बोला, ठीक है। जबकि जो प्लेज होते हैं वो केवल आप लोगों को एक तरीके से लिटरेरी होते हैं। लिटरेरी का केवल मतलब है कि जो लिखे हुए रहते हैं, कि अगर आप जैसे बुक पढ़ रहे हैं उसमें आप अगर इमेजिनेशन पावर अगर आपकी अच्छी होगी तो आपके दिमाग में एक तरीके के चित्र बनने लगते हैं, ठीक है, कि कोई भी बातचीत कर रहा है तो वो एक तरीके से क्या हो जाता है, फिर प्ले, ठीक है। तो हेमलेट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेमलेट हो गया, मैकबेथ हो गया, तो ये सारे क्या हैं, कई सारे शेक्सपियर के जो भी हैं उसके
प्लेज वगैरह आप मान सकते हैं, ट्रेजडीज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक छोटा सा टर्म था जिसको मैंने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो अचीवमेंट क्या था इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में, वो तो आपको पता ही चल गया कि बहुत ड्रामा का जो अचीवमेंट रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट रहा है। उसके बाद में इस पीरियड के दौरान में कई सारे ड्रामास को कदप किया, मतलब कि ड्रामास की कई सारी वैरायटियां भी फ्लोरिस्ड हुई हैं, बहुत सारी वैरायटियां ही आई हैं यहाँ ड्रामा की फील्ड में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई सारे ड्रामास के अलग अलग कैटेगरीज में थी, जैसे कि डोमेस्टिक ड्रामा की जो घर में होता है उस तरीके का ड्रामा, ठीक है, और कोल्ड कॉमेडी एक तरीके से भी ड्रामा का ही पार्ट है, रोमांटिक कॉमेडी जिसमें कि जो भी एक तरीके से हीरो हीरोइंस वगैरह होता है उसमें रोमांटिक एक तरीके से उसमें कॉमेडी भी दिखाई जाती है और एक तरीके से ट्रेजडी भी दिखाई जाती है, ठीक है। तो रोमांटिक कॉमेडी हो गया, रोमांटिक ट्रेजडी हो गया, ये सारे क्या हो गए ड्रामा के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो गए, और क्लासिकल प्लेज हो गया और मेलो ड्रामा होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ जो टर्म है ये ड्रामा के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। इस पीरियड के दौरान इन सभी का काफ़ी फ्लोरिशमेंट इस तरीके का हुआ था, ठीक है। और फिर अभी अगर आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा तो यहाँ पर एक तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं कि जो शेक्सपियर थे उन्होंने भी इस पीरियड के दौरान काफ़ी काफ़ी सारे कलेक्शंस दिए हैं, चाहे वो सोनेट्स के भी हों और फिर उन्होंने बहुत सारे ड्रामास के भी कलेक्शंस दिए हैं। सोनेट्स की तो बात आती है तो उनकी पोइट्री, अगर पोइट्री की बात आती है तो यहाँ पर सोनेट्स सीख सकते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे ड्रामास को भी दिया, जैसे कि एक प्ले हो गया इनका हैमलेट जो कि रिटन बाई है शेक्सपियर है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा फेमस और आउटस्टैंडिंग वो भी उनका है ड्रामा है। और बात करें कि हैमलेट हो गया, HAMLET आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, जूलियस सीजर हो गया, और ओथेलो, मैकबेथ, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यहाँ ये सर कि दिस पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजडीज, ये जो पीरियड था उसमें काफ़ी सारी ट्रेजडीज भी लिखी गई हैं जो कि एक तरीके का ड्रामा का ही पार्ट थी। तो ग्रेट ट्रेजडीज यहाँ पर जो हेमलेट हो गया, जूलियस सीजर, ओथेलो हो गया, मैकबेथ, ये सारे क्या हैं, क्लाइमेक्स ऑफ द शेक्सपियर आर्ट, मतलब कि शेक्सपियर के आर्ट के जो भी हैं एक तरीके से क्लाइमेक्स हैं, ये सारे एक तरीके से ड्रामाज हैं जो कि शेक्सपियर वगैरह ने लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि अभी अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो अभी आप लोगों के आगे जो भी सीरीज होगी उसमें यूनिवर्सिटी बिट्स भी आएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी विट्स का भी ड्रामा की फील्ड में, पोइट्री की फील्ड में, हर एक डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में बहुत ज़्यादा एक तरीके से योगदान रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको सॉल्ट आंसर लिखना होगा तो आप बहुत ही आसानी से, जैसे कि इतना भी लिख करके चले आए थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उससे काम चल जाए, लेकिन अगर आपके में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कई सारी चीज़ों को एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को जोड़ जोड़ करके लिखना होगा, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी बिट्स थे उनका भी ड्रामा की फील्ड में काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, तो यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में भी बताना ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी फ़िलहाल तो मैं यूनिवर्सिटी बिट्स जो है उसके बारे में एक अलग से वीडियो अभी बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग एक तरीके से छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं यूनिवर्सिटी बिट्स का, उसके लिए मैं आप लोगों को एक तरीके के अलग पेज में ले चलता हूँ, तो चलिए चल। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है यूनिवर्सिटी विट्स का। तो जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं, यूनिवर्सिटी का क्या मतलब हुआ और विट्स का मतलब क्या हुआ, जो चतुर चालाक लोग हुए और यूनिवर्सिटी से जो भी बहुत बुद्धिमान लोग हुए, ठीक है, तो इस तरीके का टर्म इससे रिलेटेड है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ये दो यूनिवर्सिटीज़ के एक तरीके का मिक्सचर, जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे होते थे, जो भी वहाँ से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह जो कुछ भी करे हुए होते थे, ठीक है, उनको एक तरीके की कैटेगरी में रखा जाता था जिसको यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स इसके अंडर जो भी है सेवन सेवन राइटर्स आते हैं, ठीक है, सेवन जो भी हैं हमारे यहाँ पर स्कॉलर्स आते हैं आप देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे तो जिनका नाम आता है यूनिवर्सिटी विट्स में, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि क्रिस्टोफर मार्लोव का, जिनकी स्पेलिंग वगैरह आपको सब अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, क्रिस्टोफर मार्लोव, और फिर रॉबर्ट ग्रिनी और थॉमस नैश और जॉन लिली, थॉमस लोडजे, जॉर्ज पील, ये सारे लोग जो हैं, ये जितने तीन ऊपर के हैं ये तीनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, और जो बाकी के नीचे ये तीन हैं जॉन लिली, थॉमस लोडजे और जॉन पिली, तो ये लोग जो हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और वहाँ से ग्रेजुएट वगैरह करें हैं, जो कुछ भी हैं वहाँ के स्कॉलर्स हैं। इन लोगों ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है वेनेसा मूवमेंट को इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में लाने के लिए, और ड्रामा की फील्ड में एज वेल एज पोइट्री प्रोज हर एक फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इनका योगदान रहा है, इसी वजह से जाना जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में जो है थॉमस किड, ये बहुत ही ज़्यादा सो फ्रेंड्स अभी हम लोग बात बात कर रहे थे कि जो थॉमस किड हैं, थॉमस किड को जो थे वो इन दोनों यूनिवर्सिटी से में किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हुए थे, ठीक है। वैसे तो ये जो यूनिवर्सिटी विट्स है वो केवल दो यूनिवर्सिटी के रिलेटेड लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है, जो कैम्ब्रिज से पढ़े हों या तो फिर ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, लेकिन जो थॉमस किड थे वो एक तरीके एक्सेप्शन थे इसमें,
कि यूनिवर्सिटीज में इनको इस कैटेगरी में रखा तो जाता है, लेकिन ना ही ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और ना ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, केवल एक तरीके के स्कूल लेवल पर पढ़े हुए थे जो कि मर्चेंट टॉयलर्स स्कूल में जाते थे। सो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मर्चेंट टॉयलर्स स्कूल में केवल जाते थे और यहाँ की इन्होंने एजुकेशन फाइंड आउट करी थी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये यूनिवर्सिटीज और उससे रिलेटेड टर्म के बारे में समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं हम लोग जो अपना पुराना था एलिजाबेथन ड्रामा की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप नेक्स्ट पैरा देख रहे हैं वो यूनिवर्सिटी विट्स के से ही रिलेटेड है, और अगर आप चाहें तो अगर आपका इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाना होगा तो आप इसको यूनिवर्सिटी विट, आप एलिजाबेथन जो भी ड्रामा के बारे में बता रहा हूँ उसको प्लस यूनिवर्सिटी विट्स से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें उन सभी को आप कवर अप करके लिख दीजिएगा, और इंसा मूवमेंट का थोड़ा बहुत लिख दीजिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके का कुछ ट्रिक्स हैं जिसको मैं आप लोगों के साथ में एक तरीके से शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों काफ़ी ज़्यादा अपने जो भी दिमाग में याद करने से बच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि मैंने +9 +7 जब मैं ये नोट्स बनाए थे तो उस सभी का लिखना था, एक तरीके से पेज नंबर डाल लिए थे कि ये सारी चीज़ें हैं, तो कि उन सभी को भी कवर अप करना है इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह में। ठीक है, क्योंकि सब सारा सब्जेक्ट मैटर वही सेम रहता है और बार बार वही चीज़ें आती, तो उसको बार बार थोड़ी नहीं लिखा जाता है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में बता दी, वैसे तो बताने वाला तो नहीं था लेकिन एक तरीके से मैंने सोचा यहाँ पर सभी लोगों को बता देना ज़्यादा सही है, ताकि आप लोग भी चाहें तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी विट्स का भी हम लोगों ने 7 ग्रुप मेंबर्स लिए थे जो यंग मैन थे एसोसिएटेड विद ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, उसमें यहाँ पर आपके कुछ नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको याद तो सभी करने पड़ेंगे, यहाँ पर कुछ नेम से काम तो चलेगा नहीं। ठीक है, याद तो सभी करने पड़ेंगे, तो आप एक तरीके से अपने अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, सभी के स्पेलिंग्स वगैरह को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए यूनिवर्सिटी विट्स वगैरह में, क्योंकि वैसे भी याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सही से सारे को सातों को याद कर लीजिए और यहाँ पर सभी को लिख दीजिए। ठीक है, वर द सम मेन एग्जाम्पल्स ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामिक्स, ये लोग क्या हैं, एलिजाबेथन ड्रामिक्स के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फेमस तरीके के एलिजाबेथन ड्रामिस्ट हैं, तो जिनका बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। ठीक है, एलिजाबेथन ड्रामा को लाने में और उसके डेवलपमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर दे वर ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सिटी विट्स, इनको यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ यंग मैन एसोसिएटेड विथ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हुए जो भी लोग थे उनको हम लोग इस तरीके की यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में रखते हैं। ये तो बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब फ्रेंड्स, जो भी है विलियम शेक्सपियर, जैसे कि आप लोगों ने जाना है कि इन लोगों ने क्या किया था, जो भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और जो उन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी ड्रामास को लिखने के लिए। अब जो शेक्सपियर थे, इनको एक तरीके से ये एक तरीके की एज होती है, एज ऑफ शेक्सपियर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं जो शेक्सपियर होंगे वो किसी से सीखे नहीं होंगे, डायरेक्ट अपना खुद ही लिखने लगे। ठीक है, तो उन लोग जो शेक्सपियर थे उन्होंने भी तो किसी को देख करके कुछ तो फॉलो किया ही होगा। तो जो शेक्सपियर थे, विलियम शेक्सपियर थे हमारे, तो उन्होंने जो था वो काफ़ी सारा उन्होंने यही यूनिवर्सिटी विट्स वगैरह से सीखा होगा और उन्हीं को फॉलो किया होगा, और इसी वजह से इनको इस तरीके से बोला भी जाता है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दे प्रिपेयर द वे फॉर, क्योंकि उन्होंने इसका वे एक तरीके से तैयार किया था, शेक्सपियर का वे तैयार किया था, उनके लिए रास्ता खोला था कि ड्रामा एक तरीके से लिखने का। ठीक है, अब सपोज डैट कि मैं एक तरीके से वीडियो बना रहा हूँ तो कोई और भी सीखेगा। ठीक है, फिर कल को कोई और बनाएगा, या फिर जैसे कि अब किसी ने हम जैसे ऐसा स्कूल का एग्जांपल आप लीजिए, किसी ने पढ़ा उसके बाद फिर वो पढ़ा रहा है। ठीक है, तो वो क्या एक तरीके का वे बना रहा है। ठीक है, तो आगे के जनरेशन के लिए क्या है, ये इन लोगों ने वे बनाया था विलियम शेक्सपियर के लिए, और ट्रेजडीज वगैरह लिखने के लिए विलियम शेक्सपियर के, उनके ड्रामास को जो भी थे फ्लोरिशमेंट के लिए, तो ये यूनिवर्सिटी विट्स वगैरह ने इनको शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का वे बनाया था। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि अब आपको कुछ बात पड़ जाती है कि कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी देने पड़ेंगे। ठीक है, कि किसकी कौन सी क्या चीज़ रही है, किसकी वजह से कौन जाने जाते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना क्या पड़ेगा कि जो थॉमस किट्स हैं, जो कि ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे और ना ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे, वो कौन से कॉलेज से पढ़ते थे, मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो लंदन का, वो एक तरीके के लंदन के कॉलेज में पढ़ते थे और वो मर्चेंट टॉयलर्स स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताया। वो किसके लिए जाने जाते हैं, द स्पेनिश ट्रेजडी, उनकी एक ये तरीके की बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान रख लीजिए कि द स्पेनिश ट्रेजडी के लिए जो थॉमस किड हैं ये जाने जाते हैं, और जो माजलो हैं उन्होंने एडवर्ड सेकेंड को लिखा है। ठीक है, एडवर्ड सेकेंड, अगर आप लोगों ने रिचार्ड सेकेंड पढ़ी होगी शेक्सपियर की, तो आप लोगों को पता होगा कि जो रिचार्ड सेकेंड है वो किसके इंस्पिरेशन से शेक्सपियर ने लिखी थी,
तो ये एडवर्ड सेकंड के प्रिपरेशन एक तरीके से उन्हीं से प्रेरित होकर के, ठीक है। तो माजलोव की जो एडवर्ड सेकंड है उससे इंस्पायर होकर के शेक्सपियर ने भी रिचार्ड सेकंड लिखा था, ठीक है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ हैं जिसको बता देना ज़्यादा सही है। तभी बोला भी जाता है कि इन्होंने, तभी इसी वजह से बोला जाता है कि शेक्सपियर के लिए इन लोगों ने वे तैयार किया था, ठीक है, रास्ता तैयार किया था कि शेक्सपियर एक एक तरीके से ग्रेट ड्रामिस्ट, ग्रेट पोइट और ग्रेट एज ऑफ शेक्सपियर, तभी इसको भी बोला जाता है कि यहाँ पर कि शेक्सपियर ने काफ़ी अच्छा, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर वो नहीं होते तो शायद ये जो इंग्लिश लिटरेचर हम लोग जितना भी बड़ा सब कुछ पढ़ते हैं वो भी नहीं होता, क्योंकि शेक्सपियर तो जब आए इन्होंने तो काफ़ी कुछ लोगों से सीखा ही और कुछ अपना भी एड आउट करके लिखा। उसके बाद जो भी बहुत बड़े बड़े जितने भी ड्रामिस्ट वगैरह जो भी लोग आए हुए हैं उन्होंने शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। और जॉन लिलीज की यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि मिडास नाम का एक वर्क है जो कि जॉन लिली मिडास वर्क के लिए जाने जाते हैं। आर द सम सिग्निफिकेंट क्रिएशन ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामा, क्या है एलिजाबेथन ड्रामा के कुछ सिग्निफिकेंट क्रिएशंस हैं, वर्क्स हैं। और इससे पहले अभी हम लोगों ने आपको कुछ और भी वर्क्स बताए थे शेक्सपियर एंड आर्ट के, जैसे हेमलेट, ओथेलो, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया था। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर कोई सी भी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के भेज सकते हैं, और मैं उसका जरूर पूरा तरीके से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आगे आने वाली फिलहाल जो भी नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें हम लोग एलिजाबेथन पोएट्री को कवर अप करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी बिट्स वगैरह जो भी आता है उस सभी को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ में नेक्स्ट वीडियोज़ में भी। और एक चीज़ और भी मैं बता दूँ जाते जाते कि कुछ मेरे पास मॉडल पेपर्स रखे हुए हैं कानपुर यूनिवर्सिटी से जो भी रिलेटेड हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कानपुर में रहता हूँ और कानपुर यूनिवर्सिटी के मेरे पास कुछ मॉडल पेपर्स हैं, ठीक है। तो यही सोचा था कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। तो उसको भी अगर हो देखूंगा कि मैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तो लोगों के पास चले जाएं, तो ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। सो फ्रेंड्स, यही कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करना था। और फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन।